किसी की सजा तक ले जाएंगे, कोई 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 किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई हो बच्चा फांसी की सजा दिलवाएंगे। हाँ पूछा बिल्कुल बिल्कुल फांसी की सजा दिलवाएंगे उनको, कोई किसी के मन में हो मैं बचा लूंगा, हम बचने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बचने देंगे। आपने रो मारे ना, तो उसको इसका नंबर है ना, उसकी कोई बात है। वो जितने मौके बनती मेरी बच्ची उठी तो वो हमारे साथ माँ बटिंडे से में आए, इसने किसका आके ऐसे हाथ पकड़े। पहले तो मैंने पूछा कितने सख्त की प्रेम है, मैं क्या पर है, नंबर ले लिया, नंबर लेती भी छोड़ो बात, पहले हाथ पकड़े बहन जाए पकड़ के लेके गया है। वो तो जात वास है, जांच पूरी करो जी, जांच करके ये छोड़ो, जांच करो मेरी बाड़िया थाने के जो एसएचओ है वो निलंबित किए जाएंगे और पीड़ित परिवार को जो आर्थिक सहायता वो की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उस पर ये आश्वासन दे रहे हैं, हमें परिवार को आश्वासन दे रहे हैं, आपकी इसमें सहमति है कि नहीं वो आप देख लो। प्रशासन खड़ा है, वीडियोग्राफी वीडियो चल रही है, प्रशासन हमें आश्वासन देता है, पीड़ित परिवार को आश्वासन देता है, तो हम दाह संस्कार करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, सिरसा के सिविल अस्पताल की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे बड़ा जो है हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें कि सिरसा जिले के गाँव गिंदना में कल एक 14 वर्षीय बच्ची की जो है शव मिला और खेतों में शव मिला। बताया जा रहा है कि इस बच्ची का अपहरण 25 जुलाई को किया गया था और जो है दो लोग है उसको बाइक्स पे लेके गए थे, जिसके बाद है परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने जो है समय रहते कार्रवाई नहीं की और जो है 4 दिन बाद जो इस बच्ची का शव है वो कुसर के पास खेतों में मिलता है। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो ग्रामीण है वो पुलिस के खिलाफ काफी गुस्सा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि मृतक बच्ची है, उसके परिजन है, वो पुलिस पे पूरी तरह से भड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो उनकी बच्ची है वो जो है नहीं मरती और जो है आरोपियों के खिलाफ है वो कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो उसको लेकर के आज आसपास के कई गांव के जो लोग हैं वो नागरिक अस्पताल में पहुंचे, जहां पे उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इस पूरे मामले को लेकर के है प्रशासनिक अमला वो सिविल अस्पताल में पहुंचा, यहां तक कि कई डीएसपी, कई इंस्पेक्टर और एसडीएम जयवीर यादव भी वहां पे मौके पे पहुंचे। जब परिजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने पूरे गांव के जो लोग थे उन्होंने जो है आपसी सहमति से 4 मांगे हैं वो प्रशासन के सामने रखी, जिनमें से इस पूरे मामले की जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए एक मांग ये थी और दूसरा जो है रानिया थाना के एसएचओ साधु राम को सस्पेंड किया जाए, इसके साथ साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग और उसके साथ साथ जो है पीड़ित परिवार को जो है सरकारी राशि मुहैया करवाई जाए, यानी कि उनकी पारिवारिक को मदद की जाए, इसके साथ साथ जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग है वो परिजनों ने की। ऐसा आश्वासन एसडीएम जयवीर यादव और जो है डीएसपी आर्यन चौधरी, डीएसपी जगत सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस है दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, आरोपियों के खिलाफ है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो मामले हैं, बाकी जो जो है पूरे जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो मुख्य मांगे हैं वो जो है जो परिजनों ने प्रशासन के सामने रखी और जो है शव की जो है पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी करवाई जाए, ये भी एक मांग थी। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो है अब जो है आपसी सहमति बन गई है और एसडीएम जयवीर यादव ने आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगे हैं वो मानी जाएंगी, आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ पुलिस एसएचओ के खिलाफ जो कार्रवाई की बात थी वो जो है ऊपर के अफसरों से बातचीत करेंगे, इसके साथ साथ है पोस्टमार्टम की जो है वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और जो है इस मामले को लेकर के जो है ये कह सकते हैं कि पीड़ित परिवार की मदद भी वो प्रशासन की ओर से की जाएगी। सभी मांगों को लेकर के जो है आपसी सहमति बनी है। उसके बाद परिजनों ने कहा कि वो अब जो है बच्ची के शव के बाद उसका अंतिम संस्कार गांव में कर देंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो है पुलिस पे कई तरह के सवाल उठ रहे थे। परिजनों का ये कहना था कि पुलिस को सूचना जो है 25 जुलाई की रात को दे दी गई थी, यानी कि जैसे ही बच्ची गायब होती है उसके बाद पुलिस को सूचना दे दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को उलझाया क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई ना करने
को लेकर के इस मामले को लटकाया और जो है चार दिन बाद है उस बच्ची का शव है, उस बच्ची का शव जो है खेतों में मिलता है। तो पूरा गांव है पुलिस के खिलाफ गुस्से से जो है नारेबाजी की, जोरदार नारेबाजी की है और जो है पूरा जो है आसपास के कई गांव के जो लोग हैं वो सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं और पुलिस के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम जो लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।